ब्रांड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुना है वापिस आ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह चलेंगे जी कल और पहुंचेंगे आपके पास, अपने शहर पहुंचेंगे इस्लामाबाद। अच्छा भाईजान, जी वो एमबीसी रेडू का नंबर है आपके पास? क्यों, क्या हुआ? उनके पास वो बड़े बड़े चश्मे हैं ना, वो चश्मे वकार यूनुस को चाहिए। क्यों, क्या हुआ? जो दिखता है वो बिकता है भाई, ना जाने कितने हारिस हुए, अपना हारिस रऊफ है यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन एक हारिस रऊफ नजर आ गया तो अब वकार भाई उनको मिसबा से भी बात हो गई है और लाइनअप में भी लेना है। वेल डन बॉय, शाबाश बॉय, छा गए बॉय, कैरी ऑन बॉय। यार खुदा का खौफ करो भाई, बाकी डोमेस्टिक वाले जहर खा के मर जाए। आप तो वकार के पीछे पड़ जाते हो, आपको पता है कि मेरा टची पॉइंट है वकार यूनुस है और आप उन्हीं के बारे तो में मेरा भी ऐसा। है, नाराज हो जाता है। नहीं, अच्छी बातें कह रहे हैं। अच्छा एनीवेज लेट्स डिस्कस हारिस रऊफ। जो मैं जितना जानता हूँ राशिद, वो ये है कि ये लड़का टेनिस टेप प्रोफेशनली खेलता था और जिस तरह वसीम अकरम लारी अड्डे जाके और पैसे लेके दो दो तीन तीन ओवर करते थे, उसी तरह हारिस प्रोफेशनली चार्ज करता था और इसका कोई क्लू नहीं था कि इसने हार्ड बॉल खेलना है या नहीं खेलना। और फिर लाहौर कैलेंडर्स के ट्रायल होते हैं और वहां पे ये जाता है और ऑल क्रेडिट टू द राणा ब्रदर्स, वो इतने सारे में नाम भूल जाता हूँ सारों के, समीन है और अपना आतिफ है और फवाद भाई है, ये लोगों ने वहां पे इसको देखा। और आकिब जावेद बेसिकली, जिसको हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं आपके हमारे दोस्त, कौन उनकी कर रहा स्ट्रेटेजी भी आज तक आप समझ करते नहीं मैं नहीं आ करता। रहा आकिब किया को, गया चांस। आकिब को मैं आप तो नहीं करता। डरपोक आदमी, आप अपने दोस्तों के थोड़ी करते। मैं डरपोक आदमी हूँ। अच्छा चल, सो वहां से ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पिक हुआ, फिर सिडनी गया, फिर ये पीएसएल खेला, पेसी है, चार ओवर्स में इसने आपको दिखा दिया। लेकिन मेरी फिर मोहम्मद वसीम से बात हुई, मैंने कहा जी वसीम भाई ये चार ओवर का बॉलर है या बड़ी क्रिकेट खेल सकता है? तो फिर उन्होंने कहा जी कि नॉर्दर्न के लिए ये फर्स्ट क्लास खेले, इन्होंने पंजाबी लगाया और इसमें एबिलिटी है, एग्रेशन है, एक्शन बहुत अच्छा है। वो बल्कि आज आप ये पॉइंट के साथ डिस्कस भी कर रहे थे सोशल मीडिया पे, आप उसके बेड़ा गर्क कर रहे थे ये पॉइंट का, आप लैंडिंग क्लैप्स फ्रंट फुट क्लैप्स पे 90 डिग्री एंगल बना रहे थे उसका। तो एनीवेज आप सही कह रहे थे, मुझे उसकी आधी शॉटें समझ नहीं आती है इनकी, इसका एक्शन ठीक ठाक है, ये रिलीज के बाद 90 डिग्री पर रिलीज के बाद टिल्ट करता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ही इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। अब आ जाए, अब आप जरा बताएं फिर आगे चलते हैं। हारिस डॉक्टर, मैं बिग बैश की बात करूंगा कि देखिए अल्लाह ताला देता है, मौके देता है, रास्ते खोलता है और इसमें जो गए हैं खेलने, इसमें लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा मतलब रोल है। आकिब जावेद हो, समीन हो या आतिफ हो, इनका बड़ा किरदार है क्योंकि ये तीसरी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में थे और उससे पहले अगर आप देखें वहीं पर ये खेले, काफ़ी काफ़ी अरसे के लिए जाते हैं वहाँ पर खेलते हैं, तो डेल स्टेन के साथ थोड़ा इश्यू था और उनके बाद इनको मौका मिला और पहले ही मैच में इन्होंने आउट किए, दूसरे मैच में आउट किए, तीसरे मैच में आउट किए, चौथे मैच में आउट कर दिए। ये बहुत कम प्लेयर होते हैं स्पेशली पाकिस्तान के जो 13 आउट गेम है 7.5 की एवरेज से, बैन अल-अक़वामी या इंटरनेशनल फेम जिसको मिल जाए और वो खेला ही नहीं हो, अपने कंट्री के लिए ना खेला हो, ऐसे बहुत कम तादाद के प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान के या पाकिस्तान के बाहर के। तो उसमें हारिस रऊफ एक ऐसे बॉलर है जो पाकिस्तान के सबको मतलब कुछ होते हैं, जैसे होता है ना अक्सर मैं सोहेल खान के लिए बात की थी कि ये दरवाजा तोड़ के टीम के अंदर वापस आएगा और दरवाजा तोड़ के वो वापस आया था टीम में। तो हारिस नॉक नहीं करे कर रहा ही है, ये तोड़ा है दरवाजा और तोड़ चुका है, बस इसको कैप देनी है और T20 का डेब्यू जो भी पहला मैच होगा ये मेरा इतना बिलीव है वकार यूनुस पे और मिसबाउल के और प्लेयर पे कि ये ऐसा बॉलर है जो T20 इनिशियल स्टेज में के आ सकता है। लेकिन ये कि बहुत सारे बॉलर्स हमारे पास हैं लेकिन इसने प्रूव किया है, जैसे आपने बात की KRL पे इसने 5 आउट किए थे फर्स्ट क्लास में भी, फिर ज़्यादा दूर नहीं जाए फैसलाबाद में जो सेमीफाइनल KP से हुआ था वो मैच हारा हुआ था, 1 ओवर में 3 आउट करके मैच में दोबारा टीम को लेके आया था और उसके बाद फाइनल खेले, फाइनल जीते। तो
क्वालिटी तो नजर आ रही है इस बॉलर में, क्योंकि वेरिएशन बहुत जरूरी है, पेस, लेंथ, स्लोअर वन बहुत अच्छा है, यस, बाउंसर, स्लोअर वन। अब बैट्समैन मुझ जैसा और आप जैसा बैट्समैन जो बैटिंग करेगा ना, उसको ये नहीं पता कि बाउंसर है या स्लोअर वन है, तो उसी में ही वो रह जाता है। तो मोस्टली देखें या हिट मारते हुए स्लोअर वन पे काफी आउट हुए, बोल्ड हुए या लेग बी फोर हुए, और या तो बाउंसर पे अटेम्प्ट करते हुए आउट हुए। इसका मतलब है क्वालिटी तो इस बॉलर में नजर आ गई है आपको। अब इसको जाहिर सी बात है अब इंटरनेशनल खेलेगा, और उसके बाद जो भी माहौल मिलता है वकार यूनुस है, मिसबाह उल हक है, टीम है हमारी, और ये एक आध बड़े पहलवान को गिराएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अपना राशिद। एक तो इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, यस, एग्रेसिव एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ अ फास्ट बॉलर है। डोमेस्टिक ये नहीं खेल सका था बिकॉज ऑफ वो जिस तरह आपने बात की, क्योंकि ये उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था लाहौर कैलेंडर्स का, एंड ही वाज ऑब्लिगेटेड टू देम, टू ऑस्ट्रेलिया में वक्त गुजर रहा था इनका। एंड आई पर्सनली फील कि आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि बड़ा बुर्ज उल्टाने वाला फास्ट बॉलर है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मर्जी लोग कहेंगे टेनिस टेप या चार ओवर, इस लड़के की जो मेंटल स्ट्रेंथ है और जो एटीट्यूड है, ये रेड बॉल से भी बहुत अच्छा हो जाएगा ग्रेजुअली जब खेलेगा। अभी क्योंकि डोमेस्टिक खेला नहीं तो वी कांट से कि ये अच्छा होगा या नहीं होगा। और आपकी बिल्कुल पहचान सही है, इसमें वैरायटी भी है, वेरिएंस भी है, एक्शन बहुत खूबसूरत है और एटीट्यूड बहुत अच्छा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में किसी का शिकार ना हो। छोड़ते नहीं हो डॉक्टर, छोड़ते नहीं है, लेकिन ये तगड़ा है माशाल्लाह, अच्छा प्रोस्पेक्ट है। लेकिन एक और बात बकार भाई को मैंने करनी थी कि ऐसे दो तीन प्रोस्पेक्ट हम और आइडेंटिफाई कर देंगे। एक वो लड़का जो आपको बहुत पसंद है, जो थोड़ा पीछे हो गया था इंजरी की वजह से, अंडर 19 वाला लड़का, ये नसीम, और ये तो आ गए अपना क्या कहते हैं शहीन, एक तीसरा लड़का अलियास की बात करूं, अलियास की, हाँ वो लंबी क्रिकेट का बॉलर है। तो इस तरह देखना पड़ेगा वकार भाई को, हमारे पास अच्छा स्टॉक बन जाएगा फास्ट बॉलर। वैसे आपने आपने तذکرہ किया टेप बॉल का, हमारे जितने भी जो आते हैं ना क्रिकेटर इनिशियल स्टेज, उनकी अब तो ग्राउंड तो रहे नहीं, टेप बॉल से ही आते हैं। हारिस, ये अपना चंदा, ये हफीज हो गए, नवीद लतीफ हो गए, राणा नवीदुल असल हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, तनवीर अहमद हो गए, ये सारे टेप बॉल से ही स्टार्ट लेते थे। और मुझे कराची का तो इतना आइडिया है कि वहाँ पे उस जमाने में इतने पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन यहाँ पे जब से आया हूँ यहाँ पे कैपिटल में या पंजाब में, यहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, जो फर्स्ट क्लास से ज्यादा पैसे ये टेप बॉल में कमाते हैं। तो टेप बॉल को तरजीह देनी पड़ेगी इसमें। हम मैं पहले भी कह रहा शो करेंगे, आप वापस आ जाते हैं तो इसको हम बात करते हैं टेप बॉल की। अच्छा अपना राशिद भाई, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं अपने नाज़रीन के लिए, कि ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ इज द फर्स्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान टू पिक अप अ हैट्रिक इन बिग बैश। तो टेक्निकली आप कह सकते हो, क्योंकि अब ये स्टेट की बुनियादों पे नहीं होता, तो आप कह सकते हो कि ये इस फॉर्मेट में, क्योंकि 2011 में ये फॉर्मेट आया था, लेकिन 2010 में राणा नवीदुल हसन ने हैट्रिक ली थी जब भी बिग बैश स्टेट बेस्ड होती थी। सो वी शुड नॉट डिसक्रेडिट राणा नवीदुल हसन ऑल्सो। यस, हारिस रऊफ टेक्निकली पहला बॉलर है इस बिग बैश के फॉर्मेट का, लेकिन बिग बैश जो स्टेट बेस्ड होती थी 2010 में, वो राणा नवीदुल हसन ने हैट्रिक ली हुई है पाकिस्तान के लिए। और मेरे ख्याल में अगेन टैलेंट वेस्टेड, वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलर थे, पहले तिखे बड़े थे, कंट्रोल बड़ा था, सीम स्विंग बड़ा था, ये राणा गुड बॉलर था बिल्कुल। तो राशिद, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हारिस को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें। लेकिन आप तो बोलेंगे नहीं, मैं फिर बोल दूंगा कि विकी भाई को कहें कि एक हारिस नहीं, बहुत सारे हारिस हैं, बहुत सारे आबिद हैं, और बहुत सारे पीटर मिलान पड़े हैं यहाँ पे। Got banned.